एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी कि 33 नंबर एरर कोड बता रही है दोस्तों। 3 बार हल्का बिलिंग कर रही है और 3 बार जल्दी जल्दी से बिलिंग कर रही है। 33 नंबर एरर कोड बता रही है। BS6 गाड़ी है, XL100। पूरी जानकारी मैं देता हूँ इस एरर कोड के बारे में। XL100 BS6 है दोस्तों, और कोई ज़्यादा चली हुई नहीं है गाड़ी। थ्रोटल बॉडी आप देख सकते हो कि BS6 है, कोई ज़्यादा चली हुई नहीं है गाड़ी, कम ही चली हुई है। गाड़ी को मैं कस्टमर के घर से उठा करके लाया हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो तब मुझे लेके आने पड़ी। लड़कों को भेजा मैंने अपने चेलों को, तो लेके आए। गाड़ी में कंडीशन क्या है कि हम गाड़ी में इस तरीके से अगर सेल्फ मारते हैं तो गाड़ी हल्का स्टार्ट होती है, बंद होती रहती है, स्टार्ट होती है, बंद होती रहती है। आप देख पा रहे होंगे, आवाज़ भी आपको आ रही होगी दोस्तों, कि गाड़ी स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है, स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है। और ये चीज़ आप नोट करना, मैं बिना ब्रेक दबाए गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बिना ब्रेक दबाए सेल्फ ले रही है गाड़ी। अब इससे हमें क्या समझ में आएगा, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपकी गाड़ी बिना ब्रेक दबाए सेल्फ लेने लगे तो उसका BLDC ड्राइवर फॉल्ट हो चुका है, जो पीछे वाले मड़कार पे डाइवर लगा हुआ होता है। कंपनी की भाषा में ऐसे BLDC ड्राइवर बोलते हैं और हम लोग इसको डाइवर बोलते हैं। अब इसको चेक कैसे करना है, मल्टीमीटर को बिप के जगह पे सेट करना है, और जैसे मैं भी चेक कर रहा हूँ इसको, वायर फिर बदल के देखनी है आपको। अगर दोनों साइड में रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये ख़राब है। ये एक साइड से करंट निकालता है, एक साइड से खपा के रखता है करंट को, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये दोनों साइड से रेजिस्टेंस बता रहा है, जो कि ये ख़राब है दोस्तों। पूरी बात समझना इसके बारे में, वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरे वाला दिखाता हूँ। एक वायरिंग चेंज की थी मैंने, उसमें से निकाल के रख लिया था ये। तो इसमें क्या है ये दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से दिखाता है। आप ध्यान से देखना इन चीज़ों को, बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि ISG वाली जितनी भी गाड़ी है सब में आ रहा है लगा हुआ डाइवर्ट। तो एक साइड में आपने देखा इसने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है, दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूसरी साइड में ये मैंने पलटा है अभी, इधर भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो अब देखना आप ध्यान से, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे दोस्तों। अभी मैं तार को पलट के लगाऊंगा, अपने मल्टीमीटर की वायर को पलट करके लगाऊंगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले ब्लैक लगी हुई थी, रेड लगा दी मैंने। आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है इस साइड से। तो यानी कि एक साइड से रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, एक साइड से नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिखाने लगे तो समझ लेना तुम्हारा BLDC ड्राइवर फॉल्ट हो चुका है, उसमें गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। और एरर कोड बहुत कम बताती है उस कंडीशन में गाड़ी, कभी कभार बता देती है एरर कोड, वरना बताती नहीं है उस कंडीशन में। अब मैं करंट भी दिखा देता हूँ, करंट कभी आता है इस कंडीशन में और कभी नहीं आता है। गाड़ी स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है, पिकअप भी नहीं लेती है इसकी वजह से। मैं करंट दिखा देता हूँ, कभी आता है कभी नहीं आता है। जब मैं गाड़ी को लेके आया था तब इसमें करंट नहीं आ रहा था, और अब इसमें करंट आ रहा है, तो उसकी वजह से करंट भी गायब हो जाता है। पिकअप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और बिना ब्रेक दबाए स्टार्ट भी हो जाती है। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर ले, जितने भी TVS की ISG वाली बाइक है उन सब के अंदर ये BLDC ड्राइवर लगा हुआ आ रहा है, और इसका कोड भी कंपनी ने सभी गाड़ियों के अंदर सेम दिया है, 33, यानी कि 33 33 एरर कोड दिया है। तो ये ध्यान से आप नोट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।